राजवीर भाई, एक बार फिर दोबारा सोच ले। आई थिंक जो तू कर रहा है ना, बहुत गलत कर रहा है। अगर गलत कर रहा होता तो सोचता, लेकिन मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था, और वही कहा जो मुझे कहना चाहिए था। ना मैं किसी से कुछ कहना चाहता हूँ और ना ही कुछ करना चाहता हूँ। लेकिन मुझे बहुत कुछ करना है पुत्र। बीजी, बीजी, बाऊजी, आप लोग यहाँ पर? हाँ पुत्र, हमारी वजह से हमारा बेटा मुसीबत में और हम घर में बैठे रहे। बीजी, आपकी वजह से? मतलब मैं कुछ समझा नहीं। ठीक कह रही हूँ पुत्र, हमारी इज्जत बचाने के लिए राजवीर ने खुद को मुसीबत में डाला है। राजवीर, इतनी बड़ी बात हुई, तूने मुझे बताया भी नहीं। क्या तू मुझे अपना दोस्त ही समझता? क्या ये परिवार मेरा नहीं है? ऐसी बात नहीं है ध्रुव, तुम लोग सब मेरे अपने हो। मैं तो बस, लेकिन बीजी, आप सबको यहाँ नहीं आना चाहिए था। आप लोग प्लीज घर जाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं पुत्र, अब सब कुछ तभी संभलेगा जब तू अपने अधिकारी के पास जाकर सब कुछ सच सच बताएगा। हाँ पुत्र, जब तक तू अपने अफसर को सब कुछ बताएगा नहीं, हम में से कोई भी यहाँ से नहीं जाएगा। नहीं पापा जी, बीजी, मैं सबके सामने बानी को शर्मिंदा नहीं होने देना चाहता। प्लीज भैया, आज आप मेरी वजह से इस प्रॉब्लम में हो, और अगर मेरी वजह से आपकी जॉब चली गई, आपके सामने जिंदगी भर में शर्मिंदा रहोगी। प्लीज अब अंदर जाके सब सच सच बता दीजिए। लेकिन बानी। नहीं राजवीर, अगर तुम सर को कुछ नहीं बता सकते तो ठीक है, मैं उन्हें जाके सब कुछ सच सच बताऊंगी। ठीक है। बोलो राजवीर, ऐसा कौन सा जरूरी काम था जो तुम विदाउट इंफॉर्मेशन अपनी ड्यूटी छोड़कर चले गए? मैं आपको बताती हूँ सर, करे वो मेरे राजवीर को माफ कर दे। सिमर, जो इंसान अच्छा काम करता है उसे तो शाबाशी दी जाती है ना, उसे सजा दी जाती है। आप प्लीज परेशान मत होइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर उसके साथ कुछ हो गया ना पुत्र, तो ये पूरा परिवार खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा, कभी नहीं। मेरी बहन बिल्कुल सही कह रही है सर, उस दिन सिमरन ने बानी को किसी के साथ होटल में जाते हुए देखा, और उसने फिर राजवीर को 1:30 बजे फोन किया कि वो वहाँ पे होटल में पहुँच जाए, और ठीक 15 मिनट बाद यानी कि 1:45 बजे उसने मुझे फोन किया। सर आप चाहे तो मेरी फ्रेंड सिमरन के कॉल रिकॉर्ड्स आप चेक कर सकते हैं, और मेरा और राजवीर का उस होटल की एंट्री बुक में भी नाम है, आप वो भी चेक कर सकते हैं सर। ये सब तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया राजवीर? आई अंडरस्टैंड कि तुम्हें एक इमरजेंसी के लिए जाना था, लेकिन फिर भी तुम्हें इंटेलिजेंस सर्वेलेंस की इम्पोर्टेंस पता होनी चाहिए। नेशनल ड्यूटी से बड़ा कुछ नहीं हो सकता। सर, अब एक मिनट दीजिए, मैं आती हूँ। यस। हेलो, हरपाल सिंह। यस स्पीकिंग। आपकी बेटी को मैंने अभी कुछ लड़कों के साथ सनसेट बार में जाते हुए देखा है। वो लड़के कुछ ठीक नहीं है, आपकी बेटी के साथ कुछ भी हो सकता है। मुझे लगता है आपको फौरन वहां पहुंचना चाहिए। मेरी बेटी बार में? मैं अभी आ रहा हूँ। एक मिनट सर, आपकी बेटी बिल्कुल सही सलामत है, उसको कुछ नहीं हुआ। वो जो फोन आया था वो मैंने आपको किया था, आपको समझाने के लिए कि उस दिन राजवीर ने जो किया वो गलत नहीं था। ये जो फोन किया था ये तुमने किया था? How dare you? I'm sorry sir, लेकिन मैं बस आपको इतना समझाना चाहती थी कि जिसे आप अभी अपनी बेटी के बारे में सुनकर अपनी ड्यूटी, अपनी इंक्वायरी सब छोड़कर जा रहे थे, उसी तरह उस दिन राजवीर को जब फोन आया तो वो भी मेरी बहन की इज्जत बचाने के लिए अपनी ड्यूटी छोड़कर चले गए। सर मैं जानती हूँ कि एक फौजी के लिए उसके देश से बढ़कर और कुछ नहीं है, लेकिन जब राजवीर यहाँ नहीं थे तो इनकी गैर हाजिरी में यहाँ और भी फौजी थे जो इस रिपोर्ट को संभाल सकते थे, लेकिन वहाँ मेरी बहन की इज्जत बचाने के लिए कोई नहीं था सर। राजवीर ने मेरी बहन की इज्जत बचाकर एक तरह से इस देश की सेवा ही की है सर, क्योंकि हमारे देश में औरतों की पूजा की जाती है और उनकी रक्षा करना एक फौजी का भी तो फर्ज है ना सर। I got your point, Miss Preetu.
कोई भी होता तो वही करता जो राजवीर ने किया। लेकिन राजवीर, तुम्हें यह समझना होगा कि इंडियन एयरफोर्स रूल्स, रेगुलेशन और डिसिप्लिन पर चलती है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल फ्रॉम नेक्स्ट टाइम। अब की बार मैं तुम्हारे खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहा हूँ। सो यू मे रिज्यूम योर ड्यूटी फ्रॉम टुडे। ऑल द बेस्ट सर। नहीं, कितना वक्त और लगेगा? हे वाहेगुरु, उस बच्चे ने हमेशा सबका भला चाहे, उसे सब कुछ गलत नहीं होने देना। राजवीर, क्या हुआ? क्या कहा उन्होंने? सब ठीक है ना? तूने उनसे क्या कहा? अपनी पूरी बात उनके सामने रखी ना? हाँ बीजी, हमने उन्हें सारी बात बता दी और वो हमारी बात समझ भी गए बीजी। लेकिन क्या पुत्र? बीजी, उन्होंने कहा है कि उन्हें रिपोर्ट तो बनानी ही पड़ेगी और रिपोर्ट में लिखना पड़ेगा कि किसी की जान बचाने के लिए राजवीर अपनी ड्यूटी छोड़कर गए। लेकिन बीजी, बात यह है कि इस वजह से ना इन पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। मतलब बीजी, उन्होंने मुझे माफ कर दिया, अब मुझे कोई सजा नहीं होगी। अच्छा, माफ कर दिया? जी, और उन्होंने हमें ये भी भरोसा दिलाया कि उसमें प्रीतो और बानी का नाम बिल्कुल नहीं आएगा। ये वाहेगुरु, तेरा लाख लाख शुक्रिया, लाख लाख शुक्र। कांग्रेट्स राजवीर। थैंक यू। मुझे नहीं, बीजी और बाबूजी को बोलो, जब से तुम अंदर गए हो ना तब से प्रार्थना किए जा रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो। और पुत्र, मैं तो तेरे लिए रब से हमेशा दुआएं मांगता रहूंगा। एक बार फिर तूने हमारी फैमिली को डूबने से बचाया, अब तो मेरे पास शब्द नहीं है तेरा शुक्रिया करने के। पापा जी, आपके मुंह से शुक्रिया नहीं, आशीर्वाद अच्छा लगता है। और आपका हाथ इस तरह नहीं, इस तरह अच्छा लगता है। रब करे तेरे एहसानों के बदले वो तेरी लंबी उम्र में बदल जाए और हमारी दुआएं तेरी खुशियों में बदल जाए। आप लोग सब यहाँ रोना शुरू मत कर देना, नहीं तो ये एयरफोर्स बेस नेवी बेस बन जाएगा। पुत्र, ये खुशी के आंसू हैं। तो ये खुशी हम रोकर नहीं, हंसकर मनाएंगे। हाँ बीजी, हम सब घर चलते हैं और वहाँ जाकर खुशी मनाते हैं। हाँ पुत्र, पर एक बार पहले गुरुद्वारे में मत्था टेक लेंगे। राजवीर भैया, मैं बहुत गलत थी जो मैं आपको समझ नहीं पाई। मुझसे नाराज तो नहीं होना, प्लीज मुझे माफ कर देना भैया। ऑफ कोर्स तुम्हें माफ किया पानी, लेकिन मुझे तुमसे बहुत बात करनी है। घर जाके आराम से बात करें।